Hey girls, welcome back to my channel Fashion Rollout. I am Jinnat Khan. I hope guys, आप लोग सब ठीक होंगे. आज लाई हूँ मैं आप लोगों के लिए बहुत ही जो प्यारे स्टाइलिश एम्बेलिश्ड डिज़ाइनिंग जो मैरिड गर्ल्स के लिए और जो न्यूली मैरिड गर्ल्स हैं, स्पेशली जो जिनकी भी शादी भी होने वाली है और वो छोटे छोटे इवेंट्स अटेंड करना चाह रही हैं, उनके लिए बेस्ट ड्रेसिंग है, बेस्ट कलर कॉम्बिनेशंस है. सारी ड्रेसेस जो हैं वो एम्बेलिश्ड हैं, प्रॉपर जो उसकी डिज़ाइनिंग हुई हुई है, डिटेलिंग आपको मैं शो कर रही हूँ. कलर्स कॉम्बिनेशंस भी बहुत अच्छे हैं, आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर्स चूज़ कर सकते हैं. सब कलर्स बहुत ही ब्राइट, बहुत ही एलिगेंट से हैं. जो कलर आपको बेस्ट लगे, जो ड्रेस आपको बेस्ट लगे, अपनी ड्रेस उसके अकॉर्डिंग ही डिज़ाइन करें, उसके अकॉर्डिंग ही ज्वेलरी पहने और उसके अकॉर्डिंग ही फैशन से रिलेटेड जितनी भी वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें. और गर्ल्स, एसेसरी जो है, जो ड्रेस के साथ एसेसरी होती है, ये बहुत मैटर करती है. अगर आपने बहुत अच्छी ड्रेस पहन ली है, न्यूली मैरिड गर्ल्स की मैं बात कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मैरिड हो गई हैं तो आपने बहुत सारा गोल्ड पहन लिया है, बहुत सारी गोल्डन ज्वेलरी पहन लेनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है. आप अगर न्यूली मैरिड हैं और आपने कोई फैंसी ड्रेस पहना है जो बिल्कुल न्यूली इवेंट आपका कोई आपको फर्स्ट इवेंट मिल जाता है शादी के बाद, कोई दावत होती है, यू नो एनी फीस्ट जो आप अटेंड करते हो, तो आप उस पर इस तरह की फैंसी ड्रेस पहनकर जो है वो अच्छी सी डिसेंट सी ज्वेलरी पहने जो थोड़ी सी ब्राइट भी हो, शाइनी भी हो, लेकिन बहुत ओवर भी ना हो. अच्छा, जो फैशन का जो ट्रेंडी आइडिया ये है, अगर मैं आपको आइडिया दूँ अपने अकॉर्डिंग, तो जो ड्रेस आपकी, अगर आपकी ड्रेस वाइट है तो आप उसके साथ जो है वो रिंग्स पहने, तो वाइट जो है पहने रिंग्स, तो रिंग्स बहुत सारी ना पहन लें गाइस. ये मत सोचे कि भाई हमारी अब शादी हो गई है तो हमने बहुत ज़्यादा ज्वेलरी पहन लेनी है. वाइट ड्रेस के साथ अच्छी सी एलिगेंट सी एक रिंग दो रिंग पहने, इससे ज़्यादा हैंड्स पर रिंग मत पहना करें. अगर बहुत सारी जो फीमेल्स हैं बहुत सारी रिंग्स पहन लेती हैं हैंड में, तो उनकी ड्रेसिंग जो बहुत सारी रिंग्स में भी हैंड्स अच्छे लगते हैं, लेकिन वो ड्रेसिंग कुछ और टाइप की होती है. लेकिन अगर आप वेस्टर्न ड्रेसिंग कर रही हैं, जीन्स शर्ट पहन रही हैं, तो आपकी जो रिंग्स हैं, आपकी इस तरह की जो एक्सेसरी होती है वो थोड़ी जो डिफरेंट टाइप की होती है, कैजुअल होती है. और कैजुअल रिंग्स अगर आप जितनी ज़्यादा पहन लेते हैं फिंगर्स में, फिंगर्स को एम्बेलिश करने के लिए, तो वो अच्छी लगती हैं. लेकिन अगर आप फैंसी ड्रेस पहन रही हैं, ट्रेडिशनल लुक दे रही हैं अपनी, मींस आप न्यूली मैरिड हैं या कोई इवेंट अटेंड कर रही हैं, ज़रूरी नहीं कि मैरिड हैं, आप अनमैरिड भी हैं और कोई इवेंट अटेंड कर रही हैं, तो आप उस पर जो ज्वेलरी पहन रही होती हैं वो थोड़ी लाइट पहना करें. ड्रेस अगर आपका रेड है और उसके साथ गोल्डन वर्क है, तो गोल्डन एक एक रिंग पहने बहुत अच्छी वाली, एक्सपेंसिव पहन लें लेकिन एक पहन लें. बहुत ज़्यादा कलेक्शन और सस्ती सस्ती जो ज्वेलरी होती है बहुत ज़्यादा पहन लेती हैं कुछ लेडीज़, तो ये चीज़ ना किया करें. आप उस जितना इन्वेस्ट आप पांच रिंग्स पे कर रही होती हैं, वो सारी इन्वेस्टमेंट अगर आप एक रिंग पे कर लें, दो रिंग पे कर लें, तो वो जो आपकी वो रिंग अगर आप बार बार भी यूज़ कर लेती हैं तो कोई ऐसा मसला नहीं है. लेकिन वो फिर इससे ये होता है कि आपकी जो आपकी पर्सनैलिटी जो है वो इन्हेंस होती है, आपकी ग्रूमिंग जो है वो बहुत अच्छी लगती है. और आप इस चीज़ का ज़रूर ख्याल किया करें. और ये जितने भी ड्रेस मैं आपको शो कर रही हूँ, ये सारे ही जो है वो बहुत ही फैंसी टच में है. ये पार्टी वेयर्स में भी आप अटेंड मीन्स इस ड्रेस के साथ आप पार्टीज़ भी अटेंड कर सकते हैं. इस वीडियो में ये जितने भी इमेजेस हैं, ये इससे ये शो हो रहा है कि आप अपनी फैंसी ड्रेस को किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हो, किस तरह से डिटेलिंग कर सकते हो. मज़ीद फैशन से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए फीडबैक ज़रूर दिया करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें, ताकि हम आपकी अकॉर्डिंग, आपकी डिमांड के अकॉर्डिंग वीडियो लेके आ सकें. उसके अलावा जो मेरे चैनल पर न्यू हैं और उन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि फैशन से रिलेटेड हर न्यू वीडियो एंड लेटेस्ट वीडियो की अपडेट जो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे. इसमें कुछ सेलिब्रिटीज़ भी हैं जिन्होंने फैंसी ड्रेसिंग की हुई है, कुछ इसमें मैरिड भी हैं जो फैंसी ड्रेसिंग में हैं, तो आपको इससे आइडिया, काफ़ी आइडिया मिल जाता है कि किस टाइप की आपको फैंसी ड्रेसिंग करनी है. जब न्यूली मैरिड होती हैं गर्ल्स, तो उनको बहुत वो कॉन्शियस होती हैं गाइस कि हम बहुत ही प्यारे लगें, यूनिक लगें, तो वो काफ़ी इस चीज़ के लिए कॉन्शियस हो जाती हैं, तो उनके लिए ये ड्रेसेस अच्छी हैं. फिर उनके लिए ये होता है कि वो माइंड बना रही होती हैं कि हमारी जो ड्रेस है, गर्ल्स ये सोच रही होती हैं कि हमारी जो ड्रेस है वो डिसेंट भी लगे, फैंसी टच में भी हो, हम लगें कि हम मीन्स न्यूली ब्राइड हैं. और
हमें स्टाइलिश भी लगना है और हमें ट्रेंडी भी लगना है और हमें डिसेंटी को भी जो है वो फॉलो करना है। यानी ये चीज़ बहुत कॉन्शियस होती है गर्ल्स के, हमें फैशन भी करना है, ट्रेंड भी करना है और हमें डिसेंट भी लगना है। तो उनके लिए ये बेस्ट आइडियाज़ हैं, सारी पिक्चर्स जो हैं वो अप टू डेट हैं। वेल सब्सक्राइब माई चैनल, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट वीडियो आपको सबसे पहले मिले। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।